वेलकम आवर चैनल टॉप एमसीक्यू राज स्टडी। नमस्कार स्टूडेंट्स, हड़प्पा संस्कृति की विशेषता ट्वेल्थ क्लास का अपना चैप्टर होने वाला है ईंट मन की और अस्थियाँ। फर्स्ट चैप्टर होगा अपना ये हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें कि संस्कृति जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं, पुरा वस्तुओं का जो समूह है उसके लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ या एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या एक विशेष कालखंड में उनका संबंध होता है, उसके लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन? पुरातत्वविद। अब ये पुरातत्वविद कौन होते हैं? तो पुरातत्वविद के बारे में देखें कि पुरातत्व शास्त्र व विज्ञान है, यानी पुरातत्व शास्त्र का प्रयोग करते हुए जो रिसर्च करते हैं पुरानी वस्तुओं पे और उन वस्तुओं का अध्ययन और विश्लेषण करके मानव संस्कृति का जो विकास है कैसे हुआ उसको समझाते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान है जहाँ सबसे पहले ये संस्कृति खोजी गई। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे मिली? तो ये सिंधु नदी के किनारे मिली थी, तो इसका दूसरा नाम सिंधु सभ्यता भी है। लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे पहले जगह कौन सी थी? हड़प्पा। हड़प्पा नामक जगह पर इस संस्कृति की खोज की गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। और उसी नाम पर इसका नामकरण भी कर दिया। और इसका जो काल निर्धारण है, समय है, वो माना जाता है कि 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच ये सभ्यता पनपी। हड़प्पा संस्कृति का काल कौन सा माना जाता है? तो ये होगा 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। साथ साथ मेरी याद हो जाएगी प्यारी विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उनके फैक्ट याद करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति क्या है। ये तो हमने देख लिया कि सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे पनपी एक सभ्यता जिसका काल क्रम है 2600 से 1900 ईस्वी तक, उस सभ्यता का जो पहला स्थल जहाँ से इसकी खोज की उसका नाम था हड़प्पा। उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति के तीन चरण माने गए। आरंभिक चरण विकसित हड़प्पा संस्कृति वाला चरण है, एक प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा से पूर्व। आपको कहीं लिखा मिलेगा ईसा पूर्व, तो ये कौन सा होता है? बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट। ईसा पूर्व जैसे 300 ईसा पूर्व का मतलब हुआ बिफोर क्रिस्ट यानी बीसी। एडी का मतलब होता है एनो डायनेमिक, यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से जो शुरुआत मानी जाती है तिथि की, उसको कहते हैं एडी। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी आज से पहले। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है वो कौन सी मानी गई है? तो वो मानी गई है मोहर। और ये मोहर किससे बनाई जाती थी? सैलखड़ी नाम का एक पत्थर होता था जो बहुत ही मुलायम होता था, उससे आसानी से मोहर बनाई जा सकती थी। इसलिए मोहर बनाने में, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोहर बनाने में सैलखड़ी का ही प्रयोग क्यों किया जाता था? हड़प्पा संस्कृति की खुदाई स्थल से मिले भोजन के अवशेष कौन से थे? तो ये अवशेष थे जैसे अनाज में बात करें तो गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल। बाजरे के दाने भी गुजरात के कुछ स्थल हैं वहाँ से मिले हैं, गुजरात के कुछ स्थल हैं जहाँ से बाजरे के दाने भी मिले हैं। जानवरों की हड्डियाँ जहाँ भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे बैल आदि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता था, ये इस सभ्यता के सबूत मिलते हैं इनसे कि इस समय ऐसे ऐसे इन अनाजों का प्रयोग किया जाता था, इन जानवरों से कृषि कार्य करवाया जाता था। मछलियाँ और पक्षी के अवशेष भी मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य कौन से मिले हैं, या कहें कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं वो कौन से हैं? तो जैसे उनके रहने की जगह कैसी थी, आवास कैसा था उनका, मृदभांड, आभूषण कैसे थे, वो क्या कौन कौन से आभूषण पहनते थे, औजार कैसे थे उनके, लोहे के, तांबे के, मिट्टी के, किस प्रकार के औजार थे, मोहरें
सोने की चांदी की कौन से धातु की होती थी, इमारतें और खुदाई में मिले सिक्के, ये हड़प्पा सभ्यता की जानकारी बताते हैं। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो अफगानिस्तान भारत के पश्चिम के जो क्षेत्र हैं, आपको पता होगा कि सिंधु नदी है वो कहाँ पे बही या उसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र में ये संस्कृति पनपी। तो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये हिमालय पर्वतमाला है, और हिमालय पर्वतमाला से यहाँ से सिंधु नदी निकलती हुई अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है। तो आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र है वो भारत के पश्चिम से अरब सागर की ओर है। तो ये जो सिंधु नदी और हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे ये इधर हैं, इस एरिया में फैले हुए हैं भारत के इस मैप में आप देख सकते हैं। कृषि के अवशेष, चोलिस्तान नाम की एक जगह है जहाँ कई स्थानों और बनवाली हरियाणा में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। किसके, मिट्टी के हल भी किसका बना हुआ, मिट्टी। हल क्या काम आता है, कृषि कार्य में। कौन सी जगह से मिला, चोलिस्तान और बनवाली हरियाणा से। ये फिर पूछे जा सकते हैं या मैप में भरवाए जा सकते हैं कि बनवाली कहाँ है हरियाणा में, कौन सी चीज़ें मिली वहाँ से मिट्टी के प्रतिरूप। इसकी अतिरिक्त पुरातत्वविद जो वैज्ञानिक हैं इतिहास के, उनको कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंध है। अफगानिस्तान में जो सेतु घई नामक स्थल है हड़प्पा स्थल, वहाँ नहर के अवशेष भी मिले हैं। धोलीवीरा जो कि गुजरात में है, धोलावीरा, और यहाँ से जलाशयों के प्रयोग और कृषि कार्य के लिए जल इकट्ठा करने की जो परंपरा यहाँ मिली, स्रोत यहाँ मिले, जल संचयन, जल को इकट्ठा करना, संरक्षित करना। भारतीय पुरातत्वविद के जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिगम, प्रश्न पूछा जा सकता है कनिगम कौन है पुरातत्वविद के जनक, और ये भी पूछा जा सकता है कि पुरातत्वविद के जनक कौन है, कनिगम। मेरे साथ साथ प्यारे बच्चों आपको याद हो रहा है, बिल्कुल याद हो रहा है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ। अब बस्तियाँ किस प्रकार की प्राप्त हुई और उनसे क्या संकेत मिलता है, क्या जानकारी मिलती है, तो यह दो प्रकार की बस्तियाँ मिली। एक तो दुर्ग वाली जो कि कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी, ईंट कैसी है यहाँ पे, कच्ची। दुर्ग को दीवार से घेरा गया, किन से घेरा गया, दीवार से। दुर्ग पे बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था, सार्वजनिक यानी सबके उपयोग में काम आ सके, निजी होती है जो पर्सनल होते हैं। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। निचला शहर की दीवार से, ये भी दीवार से घिरा होता था, और इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया जो नींव का कार्य करते थे। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषता कैसी होती थी, तो इनकी जो सड़कें और गलियाँ होती थी वो लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाई गई। ग्रिड पद्धति आप जानते होंगे जो एक दूसरे को काटती हैं, ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जल निकास प्रणाली अनूठी थी, जल के निकलने की जो प्रणाली थी जैसे नालियों की व्यवस्था थी वो इनकी बहुत अनूठी थी, और घरों के गंदे पानी को निकालने की नालियों से जोड़ा गया था। सड़कों के साथ साथ नालियों को बनाया गया था, सड़कों और गलियों को अलग अलग अगल बगल के आवासों से बनाया गया। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन से थे, तो प्रमुख स्रोत थे नहरें थी, कुएँ भी मिले हैं, जलाशय भी मिले हैं, तालाब, विशाल स्नानागार। किस प्रकार का हुआ करता था, विशाल यानी बड़ा, स्नानागार यानी जहाँ स्नान किया जा सके, तो ये एक आयताकार जलाशय हुआ करता था जिसमें लोग स्नान करते थे, और चारों ओर से गलियारों से घिरा होता था। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। मानकों के निर्माण के प्रयुक्त पदार्थ, मानक किससे, कौन से पदार्थों से बनाए जाते थे, कॉर्नीलियन यानी सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख से, फ्रियांस से, पक्की मिट्टी से, इन सभी से मन के बनाने के काम आती थी ये सब। इनकी आकार जैसे कि चक्राकार बना दिया, चक्र के आकार का, बेलन के आकार का बना दिया, गोल आकार बना दिया या खंडित,
बस्ती के नियोजन की विशेषता क्या थी। बस्ती लोगों के रहने की जगह, नियोजन यानी प्लानिंग, उनकी किस प्रकार की विशेषता होती थी। तो बस्ती नियोजन किया गया और फिर उनके अनुसार क्रियान्वयन किया गया, जिसका उदाहरण हमें यहाँ की जो बनी ईंटें हैं उनसे पता चलता है कि जो धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई गई थी एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार चार गुनी और दो गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई। हड़प्पा संस्कृति की जल निकासी की विशेषता क्या थी। तो नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। जल निकासी यानी नालियाँ किस प्रकार की बनी होती थी, पक्की ईंटों से। सड़कों के साथ साथ नालियाँ बनाई गई थी। यदि घरों के गंदे पानी को निकालने के नालियों जोड़ा गया, प्रत्येक घर को कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। नालियों को ऐसे ईंटों से ढका गया जिसे नाली सफाई के समय आसानी से हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टी का प्रयोग भी किया जाता था। घरों की नालियाँ पहले एक होदी या मलकुंड में खुलती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था, फिर वो गंदा पानी निकलता रहता था। बहुत लंबे नालों को छंत्राल पर सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई। इनकी आवासीय व्यवस्था और ग्रस्त स्थापत्य की जो विशेषता थी वो कैसी थी। कई आवासों पे आंगन पे केंद्रित होती थी जिनके चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन में खाना पकाने और कताई जैसी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। जैसे आंगन में बैठकर लोग खाना खाते, पकाते और कताई जैसे कार्य करते थे। भूमि तल पे बनी दीवारों पे खिड़कियां नहीं होती थी। इनके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक बाग या आंगन से सीधा नहीं देख सकते थे। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ जाती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। कई आवासों में कुएं भी मिले हैं। अधिकांशतः ऐसे कक्ष भी बनाए गए थे जिनमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। राहगीर यानी रास्ते जाते हुए लोग। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी बताई गई है, 700। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम चलते चलते 2023-24 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें किस प्रकार से कितने अध्याय आपको पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस पर बात कर लेते हैं। 12वीं क्लास के NCERT में 3 भाग हैं, आपको पता होगा। इतिहास के कुछ विषय के 3 भाग और 15 अध्यायों में बटा हुआ है 3 भाग। तो आप, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अध्याय 1 की। और एक अध्याय में से पहला चैप्टर भी नहीं हटा, ये भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, इसमें कुछ भी नहीं घटा है। 5 भी नहीं हटा, 6 भी नहीं हटा, 7 भी नहीं हटा, 8 भी नहीं हटा, लेकिन 9 हट गया है, ये नहीं आएगा। 10 आएगा, 11 भी आएगा, 12 नहीं आएगा, ये हट गया है। 13 आएगा, 14 नहीं आएगा और 15 आएगा। तो इस प्रकार 3 चैप्टर, 9, 12 और 14 का चैप्टर है, वो आपका हटा दिया गया है, 9, 12 और 14। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मेरी टीम को मोटिवेशन मिले। और इस तरीके के बेहतर वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पॉलिटिकल के कई टॉपिक डाले हुए हैं, राजस्थान GK के डाले हुए हैं। आपके कोई भी भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार राजस्थान का कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं तो उन तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आप बिगनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।